बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रेंड पी के में खुश आमदीद। मैं अली अब्दुर्रहमान आज मौजूद हूँ हाफिज़ मशीनरी सेंटर मुस्लिम बाज़ार सरगोदा। नाज़रीन, मशीनें जो हैं उन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान से आसान तरीन बना दिया है। हम अपनी ज़िंदगी में अभी कुछ अरसा पहले तक देखते रहे हैं कि दरख्त काटने के लिए हमें कुल्हाड़े की ज़रूरत होती थी और दुनिया सुबह से ले कर शाम तक कुल्हाड़े से दरख्त काटने के अंदर मशगूल रहती थी। हमने अपनी कहानियों में भी पढ़ा है लक्कड़हारा और उसका कुल्हाड़ा। तो नाज़रीन, आज हम हाफिज़ मशीनरी सेंटर के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो मशीनरी हमारे पास मौजूद है वो दरख्त काटने छांटी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कितने की है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी किस चीज़ की गारंटी होती है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है, इस बारे में सोहेल भाई से तफसीलत आगाही हासिल करते हैं। चलते हैं सोहेल भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोहेल भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, फर्स्ट क्लास। कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सोहेल भाई, हमें इस हैरत अंगेज़ मशीनरी के बारे में बताएं कि ये मशीनरी हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मशीनरी के अंदर क्या है? ये भाजन सिर्फ प्रोफेशनल लकड़ी काटने के लिए होता है। ये एक मशीन कम अज़ कम 50 बंदे का काम करती है। इसके साथ अगर अच्छा चैन बेल्ट लगा हो ना तो ये प्रोफेशनल काम करती है। अगर हम दुकानदार ऐसे करते हैं कि ये स्टील की बजाय, ये अच्छा चैन स्टील वाला है, इसकी बजाय हम नूर का दे देते हैं, PHBX दे देते हैं और चैन सा हल्का कर दें तो भी काम नहीं करेगा। इसको नाकाम करने के लिए अगर हल्की मशीनरी हो तो नाकाम होगा, अगर अच्छा ज़ोमैक्स का आ रहा हो या ZM का आ रहा हो ये प्रोफेशनल काम करेगा। ये एक दिन में जितने मर्जी दरख्त काट लें, हज़ारों के हिसाब से, 100 के हिसाब से जितने मर्जी दरख्त काट लें, ये वो चीज़ है 50 बंदे का काम करने वाली मशीन है। अच्छा, इसके हवाले से बात की जाए, ये पेट्रोल पे चलेगी, चार्जिंग पे चलेगी, डीजल पे चलेगी, ये किस चीज़ पे चलती है? ये सर पेट्रोल पे चलेगी। इसमें दो टैंकियाँ होती हैं, एक ऑयल वाली होती है, एक पेट्रोल वाली होती है। इस जगह में पेट्रोल डालती हैं, पेट्रोल में थोड़ा सा ऑयल मिक्स होता है, ये पैमाना कंपनी वालों ने दिया है। इस जगह पे आपने मोबाइल डालना है, इस जगह पे आपने पेट्रोल डालना है और ये दोनों ढक्कन लगा के इसको कॉमन होता है, इसका जो मिक्स करके इसमें ऑयल और पेट्रोल मिक्स हो जाएगा। ये है टू स्ट्रोक, जैसे जामा होता था पहले। ये आगे जनाब इसका टकोरा, जिसको जनाब पंजाबी में वाई भी कहते हैं, टकोरा भी कहते हैं। ये चैन तेज़ करने में इस्तेमाल होता है और वो उधर मशीन भी लगी हुई है हमारी। एक चैन तेज़ करने के लिए हम 100 मजदूरी लेते हैं। अच्छा सोहेल भाई, बात की जाए, आपने कहा कि जितने मर्जी दरख्त काट लिए जाएं, अब हम इसकी एफिशिएंसी के ऊपर बात करेंगे कि इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, यानी वो जो हमने तेल तैयार किया मोबिलाइल और पेट्रोल का, वो इसके अंदर कितना डलेगा और वो एक टैंकी से हम कितने का दरख्त काट लेंगे? सर इसमें आधा लीटर पेट्रोल डलता है जिसमें हल्का सा मोबिलाइल इस्तेमाल होता है। वो आधा लीटर पेट्रोल से कम अज़ कम आप 20 से 25 दरख्त काट सकते हैं, बशर्ते चैन और ब्लेड अच्छा हो। अगर चैन अच्छा ना हुआ तो आप 5 भी निकाल सकते हैं। अच्छा सोहेल भाई, इसकी मशीन मोटर के हवाले से बात की जाए तो इसके अंदर मोटर कौन से टाइप की लगी हुई है? सर जी, जो देखे ना, अगर चैन साहब का अच्छा है, ज़ोमैक्स का है, तो ये अच्छी क्रैंक डालें। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले इसकी खुद की डब्बी होगी ज़ोमैक्स की, ये सबसे अच्छा चाइना का पार्ट्स है। पहला मेन किरदार इसकी क्रैंक का होता है, उसके बाद इसके सिलेंडर का किरदार होता है। ये दो चीज़ें, ये वाली मेन और तीसरा कार्बोरेटर, इन तीन चीज़ों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इन तीन चीज़ों पे पूरा चैन सा डिपेंड करता है। अगर आपकी ये तीन चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो आपका चैन सा बहुत अच्छा चलेगा, उसका किरदार बहुत अच्छा है। उसके मशीनरी के बाद आ जाता है चैन ब्लेड। इसका चैन ब्लेड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर ये अच्छा नहीं होगा तो सीधा सीधा मशीन पर लोड आएगा। ये बहुत हल्का ब्लेड है, आम दुकानदार करते हैं कि जब चैन सा को ख़रीदने आता है ना, जिसको पता नहीं है, जिसको इसके बारे में बिल्कुल मालूम है ही नहीं, वो उसको ये वाला ब्लेड लगा। इसकी कीमत है 900 रुपये या 1000 रुपया। इस ब्लेड की कीमत है 2600 रुपया। ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है उससे भी ज़्यादा फ़र्क है। जो स्टील का चैन है उसकी असल कीमत है 2900 रुपये, जो आम चैन है उसकी कीमत है 900-1000 रुपया। आरे की जो कीमत है उसमें कम अज़ कम 4-5 हज़ार रुपये में फ़र्क आ जाता है, ये दो चीज़ें चेंज करने में। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक टकोरा होता है अच्छा ओरिगन का, एक होता है नॉर्मल। जो नॉर्मल टकोरा है वो 100 रुपये का, 100 रुपये का, जो अच्छा टकोरा है वो 230 रुपये का है। अच्छा सोहेल भाई, अब हम इसकी कीमत के बारे में बात करते हैं, इसकी क्या कीमत है? सर जी, जो कॉपी आ रहा है ना वो है तकरीबन 25,000 रुपये का, जो अच्छा एक नंबर आ रहा है वो कम अज़ कम है 40,000 रुपये का। अच्छा, इसके हम स्टार्ट के हवाले से बात करें तो इसके अंदर जो है वो रस्सी खींच के स्टार्ट होने वाला है या सलफ स्टार्ट है? सर ये रस्सी वाला आ रहा है, आ रहा होते ही रस्सी वाला है। यहाँ पे पाँव रखना, दाया पाँव रख के आपने यहाँ से रस्सी से खींचना है और स्टार्ट हो जाएगा।
ये इसका स्विच ऑन ऑफ है, ये वन पे ऑन है, जीरो पे ऑफ है, ये इसकी चोक है। अगर आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना है तो चोक देके स्टार्ट करना है, अगर दूसरी बार करना है तो चोक की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सोहेल भाई, इसकी हम डब्बे के हवाले से बात करें तो इसके साथ कोई हमें जिस तरह मोटरसाइकिल के साथ किट मिलती है तो इसके साथ भी कोई किट मिलती है? जी सर, ये जो कंपनी वालों ने जनाब इसकी कैटलॉग दी हुई है, इसके उस ऊपर इसकी पिक्चर है, आप इसके हिसाब से इसको संभल कर सकते हैं। ये जो पीछे देखे ना, पीछे ये मैं कैमरे की तरफ करता हूँ, इसकी जनाब पूरी जो डायरेक्शन है आरे को कैसे आपने संभल करना है, इसकी एक एक पार्ट्स की, एक एक स्क्रू की जनाब पूरी डायरेक्शन है, किस तरह आपने खोलना है, किस तरह आपने फिट करना है। और दूसरी ये बात है कि जो आरे के चैन साल आरे के ऊपर चैन लगती, ब्लेड लगता है, उसकी भी पूरी डायरेक्शन इसके ऊपर। आरे के आगे ये लगना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आरे की बॉडी को नुकसान नहीं होता। और आरे को जब आपने रखना है इस्तेमाल करने के बाद, ये चैन के ऊपर लाजमी लगाना है। जब आपके आरे को ऐसे ब्रेक लग जाती है ना, ये इसकी हैंड ब्रेक है, जैसे गाड़ी को लगती है, अगर ऐसे कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपका आरा रेस हो गया, अवर रेस हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा, या आप ऐसे ब्रेक लगा सकते हैं, ये यहाँ से न्यूट्रल हो गया, ये ब्रेक लग गई है, ये इसकी बहुत मेन सेफ्टी है। और दूसरी बात, सबसे मेन बात, ये चैनसा अगर लकड़ी काट सकता है तो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। जब आपने स्टार्ट करना है, आगे कोई बंधन हो, मेन बात यह है कि ये बहुत खतरनाक चीज भी है और बहुत फायदेमंद भी चीज है। ठीक हो गया, वो तो नाजरीन हम जानते हैं कि जो मशीनरी है उसके अगर मुजर असरात की तरफ देखा जाए तो वो जारी बात है, ये तेज धार चीजें होती हैं और इनका नुकसान होता है। तो सोहेल भाई से पूछते हैं कि ये जो सारी इन्होंने हमें चीजें दिखाई हैं, चैन कवर दिखाया है, हैंड ब्रेक दिखाई है, ये क्या किट का हिस्सा होता है? हाँ जी, ये कंपनी की तरफ से थी, कंपनी की तरफ से दो तरह की चीज़ें आती हैं, हल्की भी आती है और अच्छी भी आती है। ये हम खुद पे डिपेंड करता है, दुकानदारों पे, डीलरों पे डिपेंड करता है, वो अच्छा पार्ट्स लेना चाहते हैं या हल्का लेना चाहते हैं। अच्छा सोहेल भाई, हमें अब ये बताइएगा कि ये जो जैनसा मशीन है, इसके मैकेनिक्स वगैरह मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं? जी, हम खुद भी करते हैं। सबसे जो मेन बात है ना, जिस बंदे ने जैनसा खरीदना है वो ये बात जहन में रखे, 5800 लेना उसने, 5800 चैनसा, उस मॉडल के अलावा कोई चैनसा नहीं, क्योंकि 5800 के अलावा पार्ट्स अवेल नहीं है। इसका पार्ट्स ऐसे है कि जैसे 70 का पार्ट्स है, हर जगह से मिल जाता है। अगर आपने 75-7500 आरा लेना है, उसका पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिलता है, दूसरी कंपनी का पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिलता है। सिर्फ और सिर्फ 5800 मॉडल आपने चैनसा खरीदना है। ये नाजरीन के लिए मैं कह रहा हूँ, जिस बंदे ने भी चैनसा खरीदना, जो खरीदना चाहता है, 5800 के अलावा चैनसा बिल्कुल ना खरीदे। ठीक हो गया सोहेल भाई, इसकी गारंटी के हवाले से हमें बता दीजिएगा। ये गारंटी कंपनी तो नहीं देती, दुकानदार खुद देता है। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जी, इसकी कॉपर की गारंटी है, मगर इसमें होती ही कॉपर की कॉइल है, किसी में सिल्वर की कॉइल आती नहीं है, सिल्वर की कॉइल तो चलेगी नहीं। हाँ, ये है कि पल्ले से 2-3 माह की फ्री सर्विस हो सकती है, उसमें ये होगा कोई भी चीज़ खराब होती है उसका पार्ट्स कस्टमर को देना पड़ेगा, जो मजदूरी होगी वो नहीं देनी पड़ेगी, बस यही है। ऐसे समझे कि गारंटी का दूसरा नाम झूठ है, सीधा सीधा। जी नाजरीन, आपने इस वीडियो के अंदर मुकम्मल मालूमात जैनसा मशीन के हवाले से हासिल की। सोहेल भाई ने अपने तजर्बे के बुनियाद पे हमें इसकी ईची बीची के हवाले से आगाही दी। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ईमान और सेहत की बेहतरीन दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।